हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रॉबिन एंड दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो। एक्चुअली ये कोई टास्क नहीं है, एक्चुअली मैं इसको एक जर्नल वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जिनका यूज़ करके आप अपनी 80-90% स्टैमरिंग ठीक कर सकते हो। लेकिन इन टेक्निकों को करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आप अगर इनको रेगुलर 1 महीने या 15 दिन करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको टेक्निक्स बताता हूँ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट टेक्निक्स ये है स्टैमरिंग वाले पर्सन की कि उनको हमेशा स्लो स्लो बोलना चाहिए, स्पीक स्लोली। ये फर्स्ट टेक्निक है, मैं हाथ पे काउंट करवाऊंगा। एक्चुअली स्पीक स्लोली, आप आराम आराम से बोलो, ये फर्स्ट टेक्निक है। सेकंड, जब आप बोलो तो सांस लेकर बोलो। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं सांस ले रहा हूँ। सांस आप मुंह से भी ले सकते हो, नाक से भी। वैसे आप मुंह से ज़्यादा लोगे तो वही इफ़ेक्टिव है। और एक बार में सिर्फ 4 या 5 वर्ड्स लो, ऐसे नहीं कि एक बार में आप 10 ही वर्ड ले रहे हो। जैसे राम घर जाता है और वो घर जाकर खेलता है, तो इसमें 10 वर्ड हैं, ऐसे नहीं लेना। आपको लेना है राम घर जाता है और वो उसके बाद खेलता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट क्या था? स्पीक स्लोली। सेकंड था हमको सांस लेकर बोलना है। थर्ड है कि फर्स्ट लेटर को प्रोलोंगेट करना है, क्योंकि हमको जो स्टैमरिंग होती है वो फर्स्ट लेटर पर ज़्यादा होती है, तो हम फर्स्ट लेटर को प्रोलोंगेट कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम रॉबिन है, तो इसमें मैंने मेरे को थोड़ा प्रोलोंगेट करा। थर्ड ये हो गया। फोर्थ आपका हो गया कि आपको बुक रीडिंग करनी है स्लो स्लो, 3-4 वर्ड्स को, और जो ये 5 टेक्निक हैं इनका यूज़ करके सुबह दोपहर शाम। जैसे डॉक्टर जो गोली देते हैं ना सुबह दोपहर शाम, वो इसलिए देते हैं कि उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देर तक रहे। वैसे ही स्टैमरिंग, अगर आप इसको सुबह दोपहर शाम करोगे तो ये इफ़ेक्टिव रहेगा। सुबह आधा घंटा, दोपहर आधा घंटा और शाम आधा घंटा। प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी से बात करोगे तो वो जैसे प्रैक्टिस किया फर्स्ट लेटर को खींच के, कुछ दिन आपको ऐसा ही करना पड़ेगा अगर आपको स्टैमरिंग सही करनी है तो। और प्लस अगर फेस पर एक स्माइल रखोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्माइल से हमारे नेगेटिव पॉइंट्स कम होते हैं। और स्टैमरिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बैड हैबिट्स एंड आवर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो हमको अपने नेगेटिव थॉट्स पर भी काम करना है। और फर्स्ट लास्ट जो है वो मैं नेगेटिव थॉट्स पर ही, आप डेली प्रैक्टिस से पहले या सुबह ओम वर्ड का उच्चारण कर सकते हैं। उसमें ऐसे करना है आपको, नाक से सांस लेना है मुंह बंद करके, और उसको कुछ देर 3-4 सेकंड सांस को अंदर ही रखना है, फिर बाहर उसको ओम में बोलना है, और माँ जो है उसको थोड़ा खींचना है। मैं एक बार आपको बताता हूँ, जैसे ओ तो लास्ट में जो ये है, ये एक्चुअली साइंटिफिक टेक्निक है। इससे कुछ वेव्स निकलती हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने आप से सुबह 21 times, शाम को 21 times अपने आप को पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बोल सकते हो कुछ भी। वैसे मेरे पास 10-12 हैं थॉट्स, किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ एक ही थॉट मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट इन ऑल सिचुएशन, आई एम कम्प्लीटली
कॉन्फिडेंट इन ऑल सिचुएशन, आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट इन ऑल सिचुएशन, ऐसे अगर आप बार बार बोलोगे, एक्चुअली ये झूठ है क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी है तो आप कॉन्फिडेंट तो हो नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप बार बार बोलोगे तो ये होने लगेगा और आप कॉन्फिडेंट बनने लगोगे। एक्चुअली मैं कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स लाऊंगा कि आपको इस चीज़ के पीछे जो साइंस है वो पता चले कि साइंस कैसे वर्क करती है किसी चीज़ को हम बार बार बोलें। तो एक्चुअली वीडियो लंबा ना करते हुए भी 6 मिनट्स के आसपास पहुंचता जा रहा है, तो ठीक है, स्टैमरिंग की प्रैक्टिस करिए और इन 5 टेक्निक्स का यूज़ करिए, डेफिनेटली आप अपनी स्टैमरिंग ठीक कर सकते हो और आप भी एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। थैंक यू।